वेलकम क्लास 11th इन टुडेज़ हिस्ट्री क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू नो, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इस्लाम एंड इट्स एक्सपेंशन. किस तरह से इस्लाम रिलीजन की शुरुआत हुई, किस तरह से इसका उदय हुआ और किस तरह से ये पूरे विश्व में फैलता हुआ चला गया, क्या क्या पॉलिसीज़ थे, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ थे यहाँ पर जो इस्लाम रूलर्स थे, हमारे जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो भी लोग हुए जिन्होंने इसको एक्सपेंशन देने में, एक्सपैंड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और दूसरे रिलेवेंट टॉपिक्स भी हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हम सभी जानते हैं बेटा कि हम लोग अभी आज 21st सेंचुरी में हैं और आज के टाइम को अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन मुस्लिम्स हम पूरे वर्ल्ड में पाते हैं. इतने पॉपुलेशन में, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स का की पॉपुलेशन देखने को मिलती है ना. और ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं रहते हैं, बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, है ना. और जहाँ पर ये डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस को बोलते हैं, इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो अपन अलग तरीके से रहते हैं, है ना. तो ये हम पाते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये मुस्लिम्स बने, है ना, वो अलग अलग है. क्योंकि हम डिफरेंट नेशन में जब देख रहे हैं कि अलग डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं और डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस पहन रहे हैं ये सेम कम्युनिटी के लोग, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनका जो मुस्लिम बनने का प्रोसेस था वो भी डिफरेंट रहा है, है ना, अलग रहा है. एक सेपरेट वे के थ्रू उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया होगा, ठीक है. लेकिन जब हम इस्लाम धर्म की शुरुआत की बात करते हैं कि कैसे ये इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, तो आज से ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स पहले, 1400 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला में इस चीज़ की शुरुआत हुई, ठीक है. अगर हम कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस्लाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो आज से 1400 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला में यानी अरब देश में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है. तो हमारे इस चैप्टर में कुल मिला के हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, यानी राइज ऑफ इस्लाम देखेंगे, किस तरीके से इसको एक्सपेंशन मिलता है, किस तरीके से ये और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, यानी जब अरब देश के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से इस चीज़ की शुरुआत हुई, पर्टिकुलर एरिया से शुरुआत हुई, तो ये किस तरह से एक्सटेंड होते हुए बढ़ते बढ़ते इजिप्ट से लेकर अफ़गानिस्तान तक और पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पर फैल चुका है, है ना. तो ये कैसे हुआ, ये सब कुछ हमको हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है. तो ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ओरिजिनेट हुआ और डेवलप करा यानी एक्सटेंड हो जाता है. ये टाइम पीरियड था 600 to 1200 के टाइम का, ठीक है. तो इस टाइम से शुरुआत हुई और 1200 तक ये बहुत ज़ोर शोर के साथ पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया, ठीक है. अगर हम इस्लाम टर्म की बात करते हैं यानी इस्लाम वर्ड की बात करते हैं, तो ये किसी प्योरली रिलीजियस सेंस के साथ इस वर्ड को नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि जब हम इस्लाम वर्ड यूज़ करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं ओवरऑल सोसाइटी की, है ना, इस्लामिक सोसाइटी की, इस्लामिक कल्चर की और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी हम बात कर रहे हैं जब हम इस्लामिक वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से इस्लाम वर्ड को यूज़ किया जाता है. अब ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें इस्लाम के बारे में मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सोर्सेस क्या हैं इस्लामिक हिस्ट्री को जानने के, किन सोर्सेस के थ्रू हम इस्लाम की हिस्ट्री को जान पाते हैं, ठीक है. तो हम कैसे जानते हैं, हमने पहले भी बताया कि जो हम टाइम पीरियड है 600 to 1200 का, यही टाइम पीरियड है इस्लाम धर्म के डेवलप करने का, ग्रोथ करने का और एक्सपैंड करने का, ठीक है. तो इस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई जिनमें हम इस्लामिक हिस्ट्री को जान पाते हैं, तो उस टाइम पर बहुत सारे जो क्रॉनिकल्स लिखे गए जिसको तवारीख कहा जाता है, ठीक है.
और ये क्या होता है, ये होते हैं उस टाइम पर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन चीज़ों को एक ऑर्डर में लिखने को हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी ड्यूरेशन के में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम एक ऑर्डर में जब लिखते हैं तो इसे क्रॉनिकल कहते हैं या फिर तवारीख कहते हैं। तो 600 to 1200 के बीच जो भी सारे मेन इवेंट्स हुए हैं, है ना, जब ग्रोथ हो रहा है, इस्लामिक इवेंट्स हो ही रहे हैं उस टाइम पर, तो उन इवेंट्स को लिखा गया था, है ना। उन्हीं जो लिखी हुई चीज़ें थी, वही जो क्रॉनिकल्स और तवारीख थे, उनको पढ़कर हमें इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कब से कब तक के? 600 to 1200 के बीच के, ठीक है, समझ रहे होगे। इनके अलावा बहुत सारे सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स हुए हैं, जैसे बायोग्राफीज़ जिसको सीरा कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स जो प्रॉफिट जी ने, मोहम्मद साहब ने या उनसे जो रिलेटेड लोग हैं उन लोगों ने जो बहुत सारी बातें बोली, बहुत से इंस्ट्रक्शंस बोले, उनके जो स्पीचेस थे, है ना, उनको जो लिखा गया, उसके जो रिकॉर्ड्स तैयार किए गए, उनको पढ़ के भी हमें उस टाइम के इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो कमेंट्रीज़ हैं जो कुरान में लिखे गए हैं, जिसको तफसीर कहा जाता है, ठीक है, उनको पढ़कर भी हम इस धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। कुछ अदर टाइप के भी मटेरियल्स हैं जो हमें सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स जिसको अखबार कहा जाता है, ठीक है। बहुत से लोग थे जिन्होंने जो आई विटनेस थे, जिन्होंने देखा कि किस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से मतलब एक इवेंट हो रहा है जहाँ पर इस्लाम धर्म की शुरुआत हो रही है और किस तरह से ये ग्रोथ कर रहा है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे लोग इस्लामिक बन रहे हैं, मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आई विटनेस लोग थे, है ना, तो उन्होंने भी बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार किए थे, उसको पढ़कर भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में मिल जाती है, ठीक है। और ये जो आई विटनेस थे, ये दो तरीके से हमको मिलते हैं, जो आई विटनेस रिपोर्ट्स हैं, एक तो कई बार ओरली लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया, जिन लोगों ने देखा था चेंजेस होते हुए उन्होंने ओरली शेयर किया, फिर जो सेकेंड पर्सन था उसने किसी और के साथ शेयर किया और इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती गई, है ना। और सेकेंड क्या था, पेपर पर यानी पपायरी पे लिखा हुआ भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आई विटनेस रिपोर्ट्स मिले हैं जो बहुत हेल्प करते हैं हमको मुस्लिम हिस्ट्री को समझने में, ठीक। इनके अलावा जो मेडिवल टाइम के हमारे मुस्लिम राइटर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा केयरफुल थे कि किस किन किन चीज़ों को लिखी जाएगी, किन किन चीज़ों को मतलब हम एक इन्फॉर्मेशन की तरह लेंगे और लोगों के पास तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो इन सारे सोर्सेस को पढ़ के, ऑब्ज़र्व करके, बहुत अच्छे से एनालाइज करके हमारे हिस्टोरियंस ने हम लोगों के लिए पूरा एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन तैयार किया है, जिससे हम सेंट्रल इस्लामिक लैंड चैप्टर से में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब जान पाते हैं, यानी इस्लामिक हिस्ट्री को जान पाते हैं। हमारे पास जो भी क्रॉनिकल्स मिले हैं, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो सिस्टमेटिक वे में ऑर्डर करके लिखे गए हैं, वो ज़्यादातर अरबिक लैंग्वेज में, है ना, अरबी लैंग्वेज में है, जिसको हम तारीख भी बोलते हैं या फिर तबरी भी बोलते हैं, ठीक है। इस जिसको क्या किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया ताकि वो सारे लोग भी इन सारी चीज़ों को समझ सके जो इंग्लिश जानते हैं, अरबी नहीं जानते हैं, है ना। तो इन क्रॉनिकल्स को, इस तारीख को किस में लिखा गया है, 38 वॉल्यूम्स के इंग्लिश वर्जन में भी तैयार किया गया है, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे हमारे पास पर्सियन क्रॉनिकल्स भी हैं जो और ज़्यादा डिटेल में हमको इस जगह के मतलब पूरे इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं, कहाँ के, ईरान और सेंट्रल एशिया में जिस भी तरीके से इस्लाम का डेवलप हुआ, इस्लाम का ग्रोथ हुआ, उस चीज़ के बारे में हमें पर्सियन क्रॉनिकल्स से मालूम चल जाता है, ठीक। और दूसरे क्या, क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स भी उस टाइम पर अवेलेबल हैं हमारे पास, क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स जो कि लिखे गए थे आरामाइक लैंग्वेज में उस टाइम पर, जो बहुत अच्छे से लाइट डालता है, प्रकाश डालता है अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये सोर्सेस हैं। इनके अलावा हमारे पास बहुत सारे लीगल टेक्स्ट, यानी जब इस्लाम धर्म
इस्टेब्लिश हो जाता है, तो यहाँ पर एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी तैयार हो जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो जाता है जिसमें बहुत सारे लीगल टेक्स्ट भी तैयार किए जाते हैं ना, कुछ रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उन रिकॉर्ड्स को पढ़ के यानी उन लीगल टेक्स्ट को भी पढ़ के हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ जियोग्राफीज है ना, जो जियोग्राफिकल डिविजन्स किए गए थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। ट्रेवलिजस, उस टाइम पर बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आए थे दूसरे कंट्रीज़ से, जो चाहे तो ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से आए थे या फिर हो सकता है कि वो घूमने आए थे या किसी भी रीज़न की वजह से वो इन पार्ट्स में होकर गए, तो उन ट्रैवलर्स ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स तैयार किए है ना, जिसको पढ़ के भी हमें उस टाइम के बारे में मालूम चल जाता है, उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में मालूम चल जाता है। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स जैसे स्टोरीज़ और पोएम्स, इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी वैल्यूबल सोर्सेस है हमारे लिए इस्लाम धर्म की हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, बहुत सारे एविडेंसेस हो चुके हैं ना, इनके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस यानी हमारे पास बहुत सारे फ्रैगमेंट्री पीसेस ऑफ राइटिंग है, जैसे ऑफिशियल्स ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स दिए जाते थे जब वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम पूरा एक तैयार हो जाता है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, तो जो भी ऑर्डर्स दिए जाते थे, जो भी रूल्स और लॉज बनाए जाते थे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, उन चीज़ों को भी रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते थे ना, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं उस टाइम के बारे में। बहुत सारे प्राइवेट करस्पॉन्डेंट्स भी थे हमारे पास, जो जिनको स्टडी करके हमारे हिस्टोरियंस ने हम लोगों को एक पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट करके उस टाइम को दे दिया है कि किस तरीके से वहाँ पर अरब से शुरुआत होकर इस्लाम धर्म की किस तरह से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैलता जाता है, और अरब के अंदर और कौन कौन से बड़े चेंजेस होते हैं, है ना। तो ये सोर्सेस हैं इम्पोर्टेंट सोर्सेस जो हमें उस टाइम के बारे में बताता है। बहुत से एविडेंसेस हमको डिगिंग करके मिले हैं, है ना, खुदाई करने के बाद मिले हैं, जैसे कॉइन्स उस टाइम के, जिनको न्यूमिस्मैटिक जो कि स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, हिस्टोरियंस ने क्या किया, उन कॉइन्स की स्टडी किया है और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इनके अलावा स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के थ्रू यानी ईपीग्राफी के थ्रू बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं हमें उस टाइम्स के, जो कि पिलर्स पर, बड़े बड़े रॉक्स पर लिखा जाता था, उसको ईपीग्राफी के थ्रू यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के थ्रू उसमें लिखी हुई चीज़ों को पढ़ा गया और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तैयार किए गए। ठीक है, तो न्यूमिस्मैटिक के थ्रू और ईपीग्राफी के थ्रू यानी इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के थ्रू हमें कौन कौन सी चीज़ें मालूम चलती हैं उस टाइम के बारे में, उस टाइम के हमें इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है, उस टाइम की आर्ट हिस्ट्री क्या थी और किस तरीके से नेम्स और डेट्स इस्टेब्लिश हुए थे उस टाइम पर, ठीक है, इसकी जानकारी भी मिल जाती है। प्रॉपर जो हिस्ट्रीज लिखी गई इस्लाम के बारे में उसकी शुरुआत होती है 19th century में। जब 19th century आ जाता है तो जर्मनी के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे उन्होंने, और नीदरलैंड्स के, ठीक है, तो यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, इस्लामिक हिस्ट्री को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इनके अलावा जब कॉलोनियल इंटरेस्ट की वजह से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी इनक्रेज किया गया कि किस तरह से इस्लाम की हिस्ट्री को स्टडी किया जाए और उसके बारे में लिखा जाए। ठीक है, जो हमारे क्रिश्चियन प्रीस्ट थे उन लोगों ने टाइम टू टाइम इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को कंपेयर करके भी लिखा कि किस तरह से दोनों में को भी, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वे में कंपेयर करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिनको पढ़ के हम क्रिश्चियनिटी के बारे में भी और उस टाइम के इस्लाम के बारे में भी समझ सकते हैं ना, तो दोनों को ही मेनली कंपेयर करके भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे जो स्कॉलर्स थे उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। ओरिएंटलिस्ट कौन से लोग होते थे, जो इन तरह की चीज़ों पे लिखा करते थे उस टाइम पर। ठीक है, और ज़्यादातर जो इनकी नॉलेज थी, क्योंकि उस टाइम पर अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में ओरिएंटलिस्ट लोगों ने, इन स्कॉलर्स ने चीज़ों को लिखा है। ठीक, अब इनमें से
जिनका नाम आ रहा है मेन, वो है इग्नास गोल्डजीहर, जो कि हंगरियन ज्यूज थे, यानी हंगरी कंट्री से बिलोंग करते थे और ज्यूज कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पर्सन थे। ठीक है, इन्होंने इस्लामिक कॉलेज में पढ़ाई की थी कायरो में, और फिर इन्होंने इस्लामिक लॉ और थ्योरी लॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। बाद में 20th सेंचुरी के टाइम पर भी जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, जो भी ओरिएंटलिस्ट लोगों ने जिन चीज़ों के बारे में बताया था उनको जानने में, है ना। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि और नए नए टॉपिक्स के बारे में भी रिसर्चेस शुरू कर दी गई, कि जैसे अगर पहले इस्लाम धर्म के बारे में तो उसके मेन क्या रूल्स होंगे, किस तरह से रिचुअल्स फॉलो किए जाएंगे, और कुछ ऐसे चीज़ों पे इस कुछ ऐसे मैटर्स पर डिस्कस किया गया या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया जो बहुत ही नॉर्मल से थे, है ना। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बदलता गया, 19th से 20th सेंचुरी आ गई, उस टाइम पर लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में किन चीज़ों को अध्ययन करना शुरू किया, आप लोग इस्लामिक हिस्ट्री के न्यू टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे। जैसे वो देख रहे थे कि उस टाइम की इकोनॉमिक्स कैसी थी, इकोनॉमी सिस्टम कैसा था, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, है ना। तो इस तरह से नए नए टॉपिक्स के थ्रू अब आज के टाइम पे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो खोज कर रहे हैं, जानकारियाँ कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे 20th सेंचुरी से ही, है ना। तो हम लोग अब ये लिमिटेशन नहीं रह गई कि अब अगर हम इस्लाम के बारे में पढ़ रहे थे या उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे तो बस हम देख रहे थे कि उनका कस्टम क्या है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। नहीं, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि अब लोगों को नए टॉपिक्स मिल गए 20th सेंचुरी के बाद से, जहाँ पर इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स जैसी चीज़ों पे भी डिस्कशंस हो रहे थे और उनके इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किए जा रहे थे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हमारी बुक में, वो है द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोर्सेस तो समझ में आ गए, अब जानते हैं कि किस तरह से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बेटा हुआ क्या था कि ड्यूरिंग 612 to 32 हमारे बीच में, हमारे अरब कंट्री के अंदर एक प्रॉफ़िट मोहम्मद आए, ठीक है, मोहम्मद साहब आए, और जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सबको ये मैसेज दिया कि सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले तक लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। तो जब मोहम्मद साहब आए और इन्होंने बताया लोगों को कि इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करने की हमको ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सिंगल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि गॉड एक है, जिसको उन्होंने अल्लाह नाम से बताया कि वो अल्लाह हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि उनकी बातों को जिन लोगों ने समझा, जिन्होंने उन जिनको उनकी बातें सही लगी, उनके बताए हुए मैसेजेस लोगों को पसंद आए, है ना, उनके जो उसके उनके मैसेजेस के थ्रू जो लोग उनसे जुड़ते गए, यानी एक कम्युनिटी क्रिएट होती गई, एक ग्रुप बनता गया, उन लोगों को उम्मा कहा गया, ठीक है, उस ग्रुप को या उस कम्युनिटी को उम्मा कहा गया। और बाद में यही उम्मा जो थी, ये इस्लाम धर्म की शुरुआत करती है, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन वही जो ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने इस्लाम को सबसे पहले फॉलो किया, ठीक है, समझ रहे हो। अब हुआ क्या, मोहम्मद साहब के बारे में हम अगर लिखने को आता है तो मोहम्मद साहब के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि वो प्रॉफिट हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम उनके लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो अरब लैंग्वेज यूज़ करते थे, अरबी लैंग्वेज यूज़ करते थे, और कल्चर भी उनका अरबी था, ठीक है। प्रोफेशन इनका एक मर्चेंट का था, यानी वो एक बहुत बड़े सौदागर कह सकते हैं हम, एक तरह से ट्रेडर थे, यानी मर्चेंट थे, जो देश विदेश तक अपनी जो मतलब ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 6th सेंचुरी आते आते इन चीज़ों की शुरुआत हो गई थी, और धीरे धीरे इनके जो मैसेजेस थे, इनके जो उम्मा के लोग थे, उन लोगों ने और आसपास के एरियाज़ के लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया, और जो धीरे धीरे अरेबियन पेनिनसुलर से लेकर साउदर्न सीरिया और मेसोपोटामिया तक भी जुड़ता गया, ठीक है। अब उस टाइम पर, जिस टाइम पे की बात हम कर रहे हैं,
उस टाइम पर अरब जो था, अरब देश डिवाइडेड था इनटू डिफरेंट ट्राइब्स। बहुत सारे ट्राइब्स में पूरे अरब कंट्री जो थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है। जैसे आज हम लोग बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना, या फिर बहुत सारे ग्रुप्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, सोशल डिवीज़न किया गया। जैसे इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वो क्रिएट किए गए थे, डिवीजन्स बनाए गए थे, है ना। तो हर जगह पर हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी डिवाइडेड तो होती है। उस टाइम पर जो डिवीज़न का बेस था वो था ट्राइबल्स के बिलीफ सिस्टम्स, जो बहुत सारे ट्राइब्स थे जिनको कबीला कहा जाता है, ठीक है। हर कबीला का एक हेड होता था, एक चीफ होता था, जो अपने कबीला और अपने जो कबीला के जो मेंबर्स होते थे उनको इंस्ट्रक्शंस देता था और फॉलो कराता था, ठीक है। तो सारे लोग उनकी बातों को मानते थे और फॉलो करते थे, ठीक। यानी बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे कबीले, और हर कबीले में एक हेड और बहुत सारे मेंबर्स, बहुत बड़ा ग्रुप जो सारे लोग मिलके एक साथ रहते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि इन लोगों के जो खुद के मतलब कौन किस कबीला को फॉलो करेगा, किसके बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ये लोग कैसे डिसाइड करते थे, वो बाय बर्थ डिसाइड करते थे। जैसे अगर हम लोग ब्राह्मण ब्राह्मण फैमिली में किसी का जन्म हो जाता है तो उसको ब्राह्मण पूरा कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, या उसकी फैमिली में जो भी चलता आ रहा है सिस्टम, है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से बर्थ के हिसाब से जिस भी मतलब ट्राइब में, जिस भी कबीला के अंदर किसी का बर्थ हो जाता था तो उसको अपने कबीला की ही चीज़ों को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन बाद में कई बार लोगों के पास ऑप्शन भी होता था कि उनको अपनी चॉइस है कि वो अगर चाहें तो किसी दूसरे कबीले को भी फॉलो कर सकते थे, ठीक है। हर जो कबीला था, हर जो ग्रुप था, वो उन लोगों के अपने खुद के ओन गॉड और गॉडेस थे, यानी खुद के देवी देवता थे, है ना। मतलब कोई भी कॉमन देवी देवता नहीं होते थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि पूरा भारत है, कुछ हमारे पास कॉमन देवी देवता हैं, है ना, गॉड और गॉडेस हैं जिनको पूरा कंट्री फॉलो कर रहा है, जिनको पूरी कंट्री वर्शिप कर रहा है ना। तो उस तरह से नहीं था उस टाइम पर। हर जो कबीला था, हर कबीला का अपना खुद का देवी और देवता होते थे, ठीक है। और वो मूर्ति की पूजा करते थे जिसको सनम कहा जाता था, और एक श्रीन में, यानी जैसे टेम्पल्स होते हैं वैसे ही एक बहुत ही अच्छा शुद्ध पवित्र प्लेस होता था जहाँ पर रखी जाती थी वो आइडल को, वो मूर्ति को, और फिर पूजा की जाती थी, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद जो अरब के ये ट्राइबल्स थे जिनको नोमैडिक्स कहा जाता था, ठीक है, ये मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, क्योंकि हम सबको पता है कि अरब ड्राई प्लेस है, बहुत ही सूखा है, रेत ही रेत है चारों तरफ। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ वेजिटेशन नहीं है, है ना। तो जब वेजिटेशन नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे से फार्मिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं है, ना तो लोगों के खाने पी के लिए, ना तो उन्होंने जो भी कैटल्स को पाला हुआ है, एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, तो ना तो उनके एनिमल्स के लिए, तो यहाँ पर तो अवेलेबल ही नहीं है वेजिटेशन किसी भी तरह का। तो लोग क्या करते थे कि नोमैडिक्स लोग, यानी जो बेडुइंस लोग थे, वो मूव करते थे फ्रॉम ग्रीन एरियाज, ड्राई एरियाज टू ग्रीन एरियाज, ठीक है, सूखी जगहों से हरी जगहों की तलाश में और ओएसएस की तलाश में। ओएसएस क्या होता है, वाटर बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि अरब में भी बारिश बहुत कम होती है, वाटर बहुत कम अवेलेबल है, और वहाँ पर बहुत बड़ी कोई रिवर या दूसरी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं है, है ही नहीं। तो जो छोटे बहुत ओएसएस हैं, यानी गड्ढे होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा डाउन एरिया होता है और कभी बारिश होती है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो छोटे छोटे उन वाटर बॉडीज़ की तलाश में लोग और ग्रीन एरियाज़ के तलाश में लोग मूव करते थे, अरब के जो भी ट्राइबल्स थे, ठीक है। और खाने पीने की चीज़ें, ये मेनली वहाँ पर खजूर होता है, तो खजूर की तलाश में लोग घूमते रहते थे। अपने एनिमल्स, वहाँ पर मेन एनिमल कैमल था, तो अपने कैमल के लिए फॉडर के लिए, चारे के लिए, और ख़ुद के फूड के लिए लोग मूव करते रहते थे, ठीक है। कुछ सेटल्ड सिटीज़ भी थी जहाँ पर थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल एरियाज थे, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस की जाती थी, यानी थोड़ी बहुत खेती भी की जाती थी। तो वो जो ट्राइबल्स थे, वो जो कबीला के लोग थे, वो सेटल्ड रहते थे, यानी वो बेडुइंस की तरह नोमैडिक लाइफ नहीं जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते थे, बल्कि सेटल्ड रहकर अपना जीवन यापन करते थे,
ठीक है, अब आते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, यानी एक कबीला से बिलोंग कर रहे हैं। मोहम्मद साहब के कबीले का नाम था कुरैश, ठीक है, और ये मक्का नाम के प्लेस पे रहते थे। ठीक है, तो जैसे सभी कबीले के अपने देवी देवता थे, वैसे ही मोहम्मद साहब का जो कुरैश कबीला था उसका भी अपना अपने एक देवी देवता डिसाइड किया हुआ था, बनाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने एक प्लेस पर जो इनका मेन शरीन माना जाता है, वहाँ पर एक क्यूब के जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया जिसको काबा कहा जाता है, वो रखा गया। यानी काबा के अंदर वो जो उन्होंने आइडल रखा, एक जो एक तरह से दिखाने के लिए कि हमारे गॉड का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम करेंगे, वो किया गया। और यहाँ पर वर्शिप की जाती थी, पूजा किया जाता था इस काबा को, जो एक होली प्लेस माना जा रहा है। तो यहाँ पर एनुअली आकर लोग वर्शिप करते थे, और जो एनुअल पिलग्रिमेज हो रहा है, एनुअल वर्शिप हो रही है, उसको हज नाम दिया गया था। ठीक है, हज कहा जाता था इस पूरे वर्शिप को। ठीक, तो काबा जो हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसी के अंदर आइडल को रखा गया और देन यहाँ पर पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये कौन कर रहा था, ये मोहम्मद साहब और उनके कुरैश कबीला के लोग किया करते थे। अब ये जो प्लेस था काबा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें करी जाती थी, यानी वो जो मक्का का एरिया था, वो कहाँ पर लोकेटेड था, वो लोकेटेड था बिटवीन यमन एंड सीरिया। यमन से सीरिया के बीच का जो रास्ता था, जो प्लेस था जहाँ से होके यमन और सीरिया को कनेक्ट कर सकते थे, उस रोड पर या उस जगह पर मक्का लोकेटेड है। ठीक है, तो जब भी कोई व्यापार के लिए या किसी भी रीज़न की वजह से यमन और सीरिया के बीच बहुत अच्छा उस टाइम पर कमर्शियल रिलेशन था, तो आते और जाते थे, तो बीच में उनको मक्का से होकर ही जाना पड़ता था। यानी मक्का क्या हो चुका था, मक्का जो प्लेस था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पा रहा था उस टाइम पर, है ना, लोगों का फोकस जा रहा था उसके ऊपर, लोगों का अटेंशन मक्का में जा रहा था। ठीक, तो लोग जान पा रहे थे, देख पा रहे थे कि ये क्या है और यहाँ पर किस तरह के बिलीव्स को फॉलो किया जाता है, कैसे लोग हैं यहाँ पर, और उनके बारे में जानने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे। ठीक, तो हर तरह के जो विजिटर्स थे उनको एक अट्रैक्शन मिल रहा था, दे रहे थे। ठीक है, मक्का में ही एक सेंचुरी बनाई गई थी जिसको हरम कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर कहा जाता था कि लोगों को माफ़ किया जाएगा और हर तरह के जो भी विजिटर्स होंगे उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी अच्छा नेक काम भी हो रहा है उस जगह पर। पिलग्रिमेज एंड कॉमर्स गेव द नोमैडिक एंड सेटल्ड ट्राइब अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद वन अदर एंड शेयर देयर बिलीव्स एंड कस्टम्स। अब यहाँ से होके क्योंकि लोग जा रहे हैं कॉमर्स की वजह से भी, यानी ट्रेडिंग की वजह से भी लोग आ जा रहे हैं, इस जगह से होकर जा रहे हैं यमन और सीरिया के लोग, उनके अलावा ये जो पिलग्रिमेज था जहाँ पर एनुअली लोग आ रहे हैं ना, हज करने आ रहे हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पर हमेशा मिलते थे। तो मिलने की वजह से क्या होता था कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, अपने बिलीव्स और कस्टम्स को शेयर करते थे। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जो पॉलीथेनेस्टिक्स थे। पॉलीथेनेस्टिक्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारे देवी देवता होते हैं, इन ऐसे लोगों को पॉलीथेनेस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, पॉलीथेस्टिक्स, तो वो भी आते थे, तो जिनको बताया जाता था कि नहीं, गॉड तो एक ही होता है, जो सुप्रीम गॉड है वो अल्लाह है, और हम लोग इतने देवी देवताओं के नाम पे जो लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत से लोग भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे लड़ाइयाँ हम करते हैं, तो वो चीज़ें गलत कर रहे हैं, गॉड तो सबका एक ही है, हम उसे डिफरेंट नेम से भले ही बुलाते हैं पर सबका गॉड एक ही है, जिसको अरब में अल्लाह नाम से हम जानते हैं, है ना। तो इस तरह के मैसेजेस भी लोगों को दिए जा रहे थे, जिससे बहुत से लोग कनेक्ट हो पा रहे थे, उन्हें ये चीज़ें सही लग रही थी, है ना, तो लोग कनेक्ट हो पा रहे थे। इस तरीके से शुरुआत हो चुकी थी इस्लाम धर्म की, है ना, जैसे जैसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं वैसे वैसे इस्लाम धर्म का और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अराउंड 612 612 के टाइम पर मोहम्मद साहब ने खुद को क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने डिक्लेयर किया
कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, ठीक है, मैं मैसेज दे रहा हूँ गॉड का, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ कि वन गॉड है, हमें किस तरीके से उसको पूजा करनी है, कैसे वर्शिप करना है, कौन कौन से गॉड के बताए हुए रूल्स हैं जिनको मतलब हमको फॉलो करना है, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, यानी मैं गॉड का मैसेज दे रहा हूँ, तो मैं गॉड का मैसेंजर हूँ यानी रसूल हूँ, ठीक है। उन्होंने खुद को मैसेंजर डिक्लेयर करा और उस टाइम पर उन्होंने कुछ सिंपल रिचुअल्स बताए। उन्होंने कहा कि वो सारे लोग जो वन गॉड को फॉलो कर रहे हैं यानी अल्लाह को की वर्शिप कर रहे हैं और इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं, उन लोगों को कुछ सिंपल रिचुअल्स हैं, कुछ सिंपल रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे। कौन कौन सी चीज़ें बताई? उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डेली प्रेयर करना होगा, जिसको सलत कहा गया। और डेली प्रेयर का मतलब कि हम डेली गॉड को याद करेंगे, उनको थैंक कहेंगे हमें जो भी चीज़ें मिली हैं, और हम बुराई से दूर रहने के लिए भी उनसे प्रेयर करेंगे, और जो भी जिस भी तरीके से हम बातचीत करना चाहते हैं गॉड का, वो दिन में कम से कम एक बार तो ज़रूर ही प्रेयर करेंगे, मतलब डेली हमको प्रेयर करना ही करना है, ठीक है। इनके अलावा कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स भी उन्होंने बताए, जैसे उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिंग अल्म्स, यानी हम क्या करेंगे, खाने पीने की चीज़ों को, पैसों को, या जिस भी तरीके से हम इनकम कर पा रहे हैं उसके कुछ पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, लोगों को देंगे। और उन्होंने साथ में ये बताया अब्सटेंटिंग फ्रॉम थेफ्ट, किसी भी तरीके से हम चोरी से दूर रहेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, है ना, इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से हम सब लोग एक दूसरे के साथ, एक बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ कर रह सकते हैं, है ना, यानी जो अभी डिफरेंट देवी देवताओं के नाम पर, गॉड गॉडेस के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उन चीज़ों को ख़त्म करके, क्योंकि लड़ाई झगड़े इन रीज़न से हो रही थी कि जब अलग अलग देवी देवताओं, अलग अलग तरह की मान्यताओं को, बिलीफ सिस्टम्स को हम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी होने की वजह से, जो हम लोगों के सोच विचार में, कल्चर में जो डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते थे, है ना। तो जब हम वन गॉड को फॉलो करेंगे, कॉमन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो इन चीज़ों, जो लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें, उनको ख़त्म कर पाएंगे और शांति से हम लोग रह पाएंगे, ठीक। वो चाहते थे कि बस एक सिंगल कम्युनिटी ही रहे, यानी उनके जो बिलीवर्स हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं, उनके मैसेजेस को जो फॉलो करने वाले लोग थे, यानी जो उम्मा के मेंबर्स थे, बस वो ही एक कम्युनिटी हो, ताकि कहीं पे इस तरह की डाइवर्सिटी ना हो और लड़ाई झगड़े ना हो, पीसफुली सब कुछ चलता रहे, ठीक। और साथ में उन्होंने बताया कि मेरे जो फॉलोअर्स होंगे, यानी जो हमारी बातों को अपनाएंगे, उन पे चलेंगे, उनको अमल करेंगे, उन लोगों को मुस्लिम्स कहा जाएगा। और मोहम्मद साहब ने बहुत सारी अपील की उन लोगों के साथ भी, जो मक्का में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने को किसी भी तरीके से एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी चाहते थे, है ना, कि मेरे साथ जुड़ो, मेरी बातों को फॉलो करो, तो वो सारे लोग जो इनके साथ जुड़ते गए, वो सारे लोग मुस्लिम कहलाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मोहम्मद साहब की बातों को सभी मान रहे थे और सभी को लग रहा था कि वो बहुत सही बता रहे हैं, है ना। उन्हें बहुत सारे अपोजिशन भी फेस करने पड़े, बहुत से ऐसे लोग भी थे, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ भी थी जिन्होंने इनका बहुत अपोज किया, और इनको बहुत रिजेक्शन भी मिला, ठीक है, कि वो इस तरह से नए धर्म को की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, या किस तरह से लोगों को फोर्सफुली काम करा रहे हैं, या ज़बरदस्ती लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरी बताई चीज़ों को फॉलो करो, तो ये लोगों को सही नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये तो एक तरह से गलत काम हो रहा है, ठीक है, तो लोग उनको अपोज करते हैं और रिजेक्शन बहुत सारा मिलता है। रिजेक्शन की वजह से 622 में मोहम्मद साहब को माइग्रेट करना पड़ता है, यानी वहाँ से मक्का को छोड़कर जाना पड़ता है। मक्का से वो अपने फॉलोअर्स के साथ, एक प्लेस था जिसका नाम था मदीना, वहाँ की तरफ जाते हैं, ठीक है। और मोहम्मद साहब की इस जर्नी को, जब वो मक्का से मदीना की तरफ जा रहे हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारे इस्लाम धर्म की हिस्ट्री में, ठीक है। और जब वो यहाँ से मूव करके जा रहे हैं, मदीना की तरफ जा रहे हैं, तो इस टाइम को कहा गया कि आज से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हो रही है, यानी आज से मुस्लिम धर्म में एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है, यानी आज से अगर हम कहते हैं कि एक नए दिन की शुरुआत हो रही है और एक नया
वर्ष लिखा जाएगा या एक नई चीज़ लिखी जाएगी। तो आज से हमारा एक नया कैलेंडर तैयार होगा, यानी आज से डे फर्स्ट माना जाएगा, और डे फर्स्ट के साथ अब जो चीज़ें होंगी वो हमारे कैलेंडर में ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो उस उनका ये जो यात्रा थी, जब वो मक्का से मदीना की तरफ गए, उस टाइम से मुस्लिम कैलेंडर की भी शुरुआत मानी जाती है, और इस टाइम को इस्लाम हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। अब जब मोहम्मद साहब और उनके फॉलोवर्स मक्का से मदीना आ चुके थे, तो उन्हें थोड़े प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत थी। उन्हें ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यहाँ पर भी लोग हमारा अपोज़ करें और हमें फिर मूव करना पड़े, या कहीं ना कहीं वो अनप्रोटेक्टेड भी फील कर रहे थे, है ना। तो इस एक्सटर्नल डेंजर से बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, इन लोगों ने क्या किया, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत कर दी, है ना। मदीना में मोहम्मद साहब ने एक पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया और बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया, जिसमें उन्होंने खुद को हेड बताया, और उनके हेड या उनके लीडरशिप के साथ, एक पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ उन्होंने मदीना में रूल करना शुरू किया। ठीक है, अपने जो उनके लोग थे, यानी उनके उम्मा के जो मेंबर्स थे, उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करते हुए रहना शुरू किया, जहाँ पर इन लोगों ने जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे वहाँ पर बहुत सारे पॉलीथेस्टिक्स लोग थे, ज्यूज कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे, उन लोगों को कन्वर्ट भी किया, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा, और उनको ये भी बता, मतलब कुछ जो रिचुअल्स थे फॉलो करा के, जैसे फास्टिंग करा के, व्रत करा के, और कुछ दूसरे जो प्रिंसिपल्स बताए जा रहे थे, बहुत सारे जो सिद्धांत बताए जा रहे थे, है ना, जैसे ज़कात वगैरह का हम लोगों ने पढ़ा कि अपना एक पार्ट, अपने इनकम का एक पार्ट हम दान देंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और जो दूसरे प्रिंसिपल्स बताए गए थे, उन चीज़ों को फॉलो कराया गया, जिसको फॉलो करने के बाद से वो जो अदर कम्युनिटी के लोग थे वो भी इस्लाम कहलाने लगते हैं ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म का जो और ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, और ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है मदीना में। यहाँ पर जो बाद में कुछ मुस्लिम्स थे जिन्होंने इस धर्म को अपना लिया था, वो लोग टाइम टू टाइम रेड कर रहे थे, जो मक्कन कारवांस थे, यानी जो व्यापारी लोग, मर्चेंट्स लोग व्यापार करके बहुत सारे पैसे को लेकर, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को लेकर आते और जाते रहते, उनको लूट लेते थे, है ना। तो वहाँ पर पास में ही ओएसिस थे, जहाँ पर लोग रुकते थे आराम करने के लिए, वाटर के लिए, पानी पीने के लिए। तो वहाँ पर ये क्या करते थे, रेड कर देते थे, अटैक करते थे उनके ऊपर, और उनकी जो प्रॉस्पेरिटी होती थी, उनके पास जो भी चीज़ें होती थी उनको छीन लिया जाता था, है ना। तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, कई बार सीरीज़ ऑफ बैटल्स भी हुए हैं, यानी इनके जो मुस्लिम लोग थे वो, और जो भी नए लोग आने जाने वाले लोग थे, जिनके साथ भी जो भी कारवांस के साथ जा रहे थे, उनके साथ इनके बहुत सारे बैटल्स भी हुए। ठीक है, और इन सारी बैटल्स का रिज़ल्ट भी ये निकलता है कि कई बार 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 जीत जाने के लिए मोहम्मद साहब और उनके जो लोग थे, वो सारे लोग धीरे धीरे दूर दूर तक फेमस होने लग जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग इनसे कनेक्ट करते हैं और जुड़ते चले जाते हैं ना। अब इतनी ज़्यादा मेंबरशिप हो रही है कम्युनिटी के साथ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी आ चुकी है, तो जो एक कि हमारा अरब का ये पार्ट जो मदीना है, बहुत डेजर्टिक है, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन है यहाँ पर, यानी यहाँ पर किसी भी तरह के प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन इतना प्रॉस्पीरियस एक स्टेट तैयार कराया किसने, मोहम्मद साहब और उनके फॉलोअर्स ने मिलके किया, जिसके वजह से बहुत सारे लोग बहुत इम्प्रेस हुए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है अच्छी यहाँ पर, मतलब मजबूती कितनी अच्छी है, सॉलिडारिटी कितना है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है। तो उन चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग बहुत इम्प्रेस हुए मोहम्मद साहब के अचीवमेंट्स के साथ, और बहुत सारे कुछ ट्राइब्स थे, बहुत सारे जो कबीले थे, उन लोगों ने आकर इनको ज्वाइन किया, इनके बताए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, और इस्लाम धर्म को अपनाया, और वन गॉड की वर्शिप में लग गए। मोस्टली जो बेडुइंस लोग थे, जिनके पास किसी भी तरह का परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे, उन्होंने ज़्यादातर ऐसे लोगों ने मोहम्मद साहब को ज्वाइन किया, और इनकी अब खुद को कन्वर्ट करके इस्लाम बनाया। ठीक है,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर धीरे धीरे पूरे अरब में, पूरे अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद साहब और उनके उनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। अब मदीना एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की तरह देखा जाने लगा, जिसमें इस जो एक बहुत बड़ा इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट के रूप में पहचाना जा रहा है, और एक रिलीजियस सेंटर के तौर पे भी, कि जहाँ पर एक तरह से एक रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है और लोग किसी एक रिलीजन को जान पा रहे हैं। अब काबा को क्लीन करा गया और मुस्लिम्स रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को ये कहा जाता था कि वो शरीन की तरफ यानी काबा की तरफ मुँह करके प्रेयर करेंगे, है ना, वर्शिप करेंगे, और इस इन सभी चीज़ों को कराया जा रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस तरह से कि अरब किस तरह से लोगों को यूनाइट कर रहा है एक पूरे लार्ज पार्ट में। अब एक ही बिलीफ सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, जो एक ही कम्युनिटी के से बिलोंग करते हैं, एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं और एक तरीके की मान्यताओं के साथ रह रहे हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से अरब में एक ट्राइबल ट्राइब्स का यानी एक कबीला का जो एक जो नॉर्मल सा एक कबीला का चीफ मेंबर था, जो अब क्या बन चुका था, मदीना जैसे एक लार्ज प्रॉस्पीरियस प्लेस की स्थापना कर चुका था और इस्लाम धर्म को बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड कर रहा था। क्लियर? ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे अरब देश में कैसे इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है और कैसे उसका ग्रोथ किया जा रहा है, कैसे उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है, लोगों के बीच में और ज़्यादा पॉपुलर किया गया। ठीक है, आज इतना ही, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कैलिफेट एक्सपेंशन, सिविल वॉर एंड सेक्ट फॉर्मेशन। ये कैलिफेट क्या थे और आगे क्या हुआ जब एक लार्ज हम कह सकते हैं किंगडम की तरह मोहम्मद साहब ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू कर दिया, जहाँ पर उनके फॉलोवर्स भी हैं और बहुत सारे नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको, है ना। अब इसके बाद क्या होता है यानी इसके बाद की स्टोरी क्या है, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्लियर? सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।